और जो स्वयं किसी से उद्विग्न को प्राप्त नहीं होता, जिसको कोई इरिटेट नहीं कर सकता और जिसके व्यवहार से कोई इरिटेट नहीं होता, ऐसा वहां अद्भुत व्यक्ति को भगवान का श्रेष्ठ भक्त है। ऐसा चरित्र राजनीति में बहुत कठिनता से देखता है। अटल जी ने पूरा जीवन वर्ष कर दिया, चाहे शत्रु देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह विमत साम्यवादी पार्टी के नेता हो, वो कभी अटल जी से उद्विग्न, उनसे कभी इरिटेट नहीं हुए। और ना कभी अटल जी के मन में है, जब सब लोग पीछे खड़े हैं, जब भीड़ आपको हाथों हाथ ले रही है और जब आप नेपथ्य में चले गए, जब कैमरा आपसे दूर हो, जब आप अलग पड़े हो, दोनों स्थितियों में समर रहना, अपने लक्ष्य के साथ एकरूप होना, जहां अहम का नष्ट हो जाता है, जहां लक्ष्य के साथ एकरूपता होती है, वहीं ऐसे दैवीय भाव आते हैं। श्रद्धेय अटल जी ऐसे अन्यान्य आध्यात्मिक लक्षणों के जीवंत मूर्तिमान स्वरूप थे। हम सब कार्यकर्ता अपने जीवन में ये सब सद्गुण जब किसी के सामने देखते हैं तो कोशिश कर सकते हैं कि हम भी, ये मानवीय है, ये संभव है, ऐसा एक उनके जीवन को देखकर लगता है। उससे हम हमेशा प्रेरणा लेते रहें, भाव के साथ एक रूप हो, भाव के लिए जीवन हो, एक जीवन उन्होंने दिया है, उससे हम प्रेरणा पा सकें, और यही हमारी उनके प्रति सबकी सब अच्छी श्रद्धांजलि से करना। आजादी की लड़ाई के समय एक बहुत प्रसिद्ध नारा था जिसने देश को आज की श्रद्धांजलि सभा सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति, माननीय प्रदेश अध्यक्ष धर्म जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी, मेरे मंत्रिमंडल के मेरे सभी सहयोगीगण, आज कल उनकी विदाई का अवसर पूरे देश और दुनिया ने देखा। छोटे से बड़े कार्यकर्ता और कार्यकर्ता ही अटल जी तो सबके दिल में बसे थे, उसके लिए कोई भारतीय जनता पार्टी की सीमा ही नहीं थी। एक जन नेता, और जन नेता की कैसे विदाई होती है कल हमने अपनी आंख से देखा। लाखों लोगों का समूह सब एक तरफ चले जा रहे, जो वहां नहीं आए वो टेलीविजन पे आंख लगाए, टकटकी लगाए देख रहे थे अपने उस प्यारे नेता की विदाई का वो अंतिम अवसर। देश और दुनिया के सारे राजनीतिज्ञ आसपास के हमारे राष्ट्रों से वहां पहुंचे थे। कार्यकर्ताओं के आंख से आंसू के साथ साथ उनके मन में एक अंतिम दर्शन की इच्छा, ऐसा दृश्य मैंने जीवन में कभी नहीं देखा, और शायद हिंदुस्तान और दुनिया के राजनीति का, दुनिया की राजनीति का ऐसे पहले व्यक्ति हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए हैं जिनकी लोकप्रियता का ग्राफ 10 साल 20 साल 40 साल 50 साल नहीं, राजनीति के शुरुआत से अंतिम दिन तक जिसके लोकप्रियता ग्राफ सीधा बढ़ता गया और कभी उस ग्राफ में कमी नहीं आई, उनके मुकाबले दुनिया में कोई नेता पैदा नहीं हुआ जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो लोकप्रियता, अद्भुत उनकी क्षमता और उनका स्नेह का, उनके सोच की व्यापकता इतनी बड़ी थी कि सबको समाहित करने की क्षमता उनके अंदर थी। दुखी हो सुखी हो, कोई भी कार्यकर्ता उनके पास जाए, गले लगाने की क्षमता होती और संघर्ष के लिए तैयार करने के लिए जो मूल मंत्र उन्होंने दिया, उनकी एक कविता की एक पंक्ति जिसको अभी दोहराया जा रहा था, मौत से ठन गई, मौत से इतना संघर्ष, 9 साल का वो पीरियड 9 से लेकर 18 जब स्ट्रोक हुआ था, और मुझे लगता है कि मौत भी घबरा गई,
आठ नौ साल के उस संघर्ष में कि इसको ले जाए तो ले जाए कैसे, जिसके करोड़ों करोड़ों लोग चाहने वाले हैं, अशायद वो भी अधूरे मन से उस मौत के जो युद्ध और जो उनकी कविता की पंक्ति थी, ठंडे लोकप्रिय व्यक्ति, उन्होंने अपनी पंक्ति में कहा है, प्यार इतना प्रायोनिम, प्यार इतना प्रायो से मुझको मिला, प्यार इतना प्रायो से मुझको मिला, न अपनों से बाकी कोई गिला, अपनों से भी कोई गिला नहीं, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किया, हर चुनौती से दो हाथ मैंने किया, आनियों में जलाए बूझते दिए, ये क्षमता थी, आनी में दीप जलाने की ताकत किसी के अंदर थी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंदर थी। और एक उस घटना को लेकर जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरहद पार करके उस कानून को तोड़ने जा रहे थे, जिस कानून को उन्होंने तोड़ा और देश को बताया कि इस देश में दो विधान दो प्रधान दो विधान नहीं चलेगा, उस समय अटल जी उनके साथ जेल जाने के लिए तैयार थे, पर वो संदेश डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा नहीं, अटल जी तुम देश में जाओ और देश को बताओ कि क्या हालत है जम्मू कश्मीर के, क्या कानून है, क्या किस प्रकार क्या कानून की धज्जी उड़ाई जाए। उस दिन से लेकर अंतिम पल तक उस आदेश का पालन करने वाले व्यक्ति का नाम अटल बिहारी वाजपेयी है, जिन्होंने देश के लिए, देश के स्वाभिमान के लिए, राष्ट्रीयता के लिए अपना पल पल, अपना कण कण, अपने जीवन का हर समय उन्होंने आहुत किया। मुझे लगता है कि उनके इस पूरे जीवन में जो उन्होंने संघर्ष किया, जीवन मूल्य सिद्धांत और उनकी राजनीति, मुझे लगता है कि हम जैसे हजारों हजारों कार्यकर्ताओं ने, आप जो यहां बैठे हुए हैं, सबके मन में अरे राजनीति में आने की सोच कहीं से पैदा हुई, किसी एक व्यक्ति को देख के लगा कि हाँ हमें राजनीति के क्षेत्र में आना चाहिए, जीवन में भारतीय जनसंघ में शामिल होना चाहिए या भारतीय जनता पार्टी में, सबके प्रेरणा स्रोत, सबके मन में एक ही बात निकलेगी कि किसको देखकर आपने राजनीति शुरू किया, जो मंच पर बैठे हैं या सामने बैठे हैं, एक व्यक्ति का नाम निकलेगा, अटल बिहारी वाजपेयी को, जी से ही प्रेरणा लेकर राजनीति में आने का तय किया, निर्णय लिया और निश्चित रूप से उनके चार दशक तक लगातार इस क्षेत्र में काम जो उन्होंने किया। मैं ये देख रहा था कि उनके कार्यकाल और एक व्यक्ति, एक बार प्रधानमंत्री, दूसरी बार प्रधानमंत्री, तीन बार प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ एक राजनीतिक दल को एक व्यक्ति की इतनी बड़ी लोकप्रियता कि उसके बदौलत देश के राजनीति में ऐसे अवसर बहुत कम आए हैं, जब एक व्यक्ति के बदौलत पूरे राजनीतिक पार्टी को देश में सत्ता में आने का अवसर मिला। छह साल तेरह दिन तेरह महीने और फिर पांच साल की सरकार चलाने का अवसर मिला और जो निर्णय लिए उस समय, दस बार के सांसद, राज्यसभा में उनकी सदस्यता, जो निर्णय लिए वो शायद इतिहास में लिखा जाएगा। पोखरण का परमाणु विस्फोट, उसके साथ साथ जो बड़े कदम उठाए देश के अंदर, आज यदि प्रधानमंत्री माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को याद करने का सबसे बड़ा गांव गांव के लोग यदि याद करते हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी सोच इस देश में लाने का काम किया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। जिस समय इस योजना के बारे में विचार चल रहा था, अटल जी से कहा गया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना नहीं चल सकती क्योंकि ये सेंट्रल सब्जेक्ट है ही नहीं, ये स्टेट का सब्जेक्ट है, गांव में सड़क बनाना हमारा काम है, नेशनल हाईवे बनाना दूसरे काम का। अटल जी ने उसी समय निर्णय लिया हम ग्रामीण सड़कों की यदि केंद्र सरकार नहीं बनाएगी, दिल्ली की सरकार नहीं बनाएगी तो पिछले 50-60 साल में सड़कों का काम ही नहीं हुआ है, ये आने वाले 100 साल तक गांव की सड़कें नहीं बन पाएगी। और उन्होंने उस समय प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की 60,000 करोड़ के बजट से। आज यदि गांव में कनेक्टिविटी हुई है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की देन है कि आज हमारे सभी गांव सड़कों से जुड़ गए हैं। दूसरा, उन्होंने देश को जोड़ने की योजना, गांव को तो जोड़ा फिर शहर को और बाकी देश को कैसे जोड़ा जा सकता है, उसके लिए कनेक्टिविटी का जो आज लंबी लंबी बात होती है, प्रधानमंत्री जी ने साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर का निर्माण किया, गोल्डन क्वाड्रिलेटर का निर्माण किया। इस देश में सड़कों के निर्माण की प्रक्रिया देश को कैसे जोड़ा जा सकता है,
अटल जी की सोच थी और अटल जी ने उस सोच को क्रियान्वयन करके आज देश के हिंदुस्तान के राज्य के एक दूसरे बेहतर तरीके से जुड़े हैं। वो कनेक्टिविटी का काम रहा जिसकी वजह से स्वर्णिम चतुर्भुज का निर्माण हुआ, इसकी वजह से ये आज देश के अंदर बेहतर हम कनेक्टिविटी का काम, बहुत सारे काम और इस काम के पीछे सोच, हर काम के पीछे सोच के देश को हम कैसे आगे। जब ये चर्चा हो रही थी कि छत्तीसगढ़ का निर्माण या अन्य तीन राज्य के निर्माण की बात हो रही थी, तो मुझे लगता है कि आज एक राज्य के निर्माण के लिए पूरे देश और दुनिया में उस राज्य में कितनी दिक्कत आती है वो हमने देख लिया। एक राज्य का निर्माण जब विभाजन हुआ उसके बाद में छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ, इतना सुलभता रहा और वही निर्णय माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का तीन राज्यों का निर्माण हुआ, कहीं भी कोई प्रकार की घटना नहीं हुई और आज छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता को एक नया राज्य का स्वरूप मिला। तो मैं कहता हूं कि सबसे बड़ा नुकसान यदि किसी राज्य की जनता को महसूस होता है, हमारा निर्माता चला गया जिसने छत्तीसगढ़ बनाया था, वो माटी का लाल इस माटी में सो गया। तो छत्तीसगढ़ के ऊपर जितना बड़ा उपकार अटल जी के है उससे बड़ा उपकार मैं नहीं समझता, क्योंकि ये हम विकास की जो बात करते हैं, छत्तीसगढ़ विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में आज विकसित हो रहा है उस कल्पना को करते हैं, उस कल्पना के केंद्र बिंदु यदि कोई व्यक्ति रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वजह से ही ये राज्य का निर्माण और विकास का सपना हमारा पूरा हुआ। और मुझे लगता है कि ऐसे वक्त में जब पूरे देश के अंदर इस बात का वातावरण बना है कि राजनीति में किस दिशा में जाए, राजनीति में पूरी तरीके से हम एक बात को व्यापकता से सोचते हैं कि आपस में लोगों की वैचारिक भिन्नता कितनी बढ़ गई, एक पार्टी और दूसरी पार्टी की सरकार बनाना कठिन हो गया। उस दौर में अटल जी ने सबको साथ लेकर सरकार बनाने का काम किया और मुझे लगता है कि आज छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता के मन में भी वो पीड़ा है जो आज यहाँ बैठे हुए हम सभी लोगों के मन में पीड़ा है। आज हम सब उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। बहुत सारे विकास के काम, निर्माण के कार्य के बारे में बताने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ यही कहूंगा कि उनके उस मूल मंत्र को जब 80वें अध्यक्ष की हैसियत से भारतीय जनता पार्टी का जनता पार्टी से गठन हुआ, उस समय का वातावरण आप जैसे हजारों लोग और मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए बहुत लोग उस बॉम्बे के अधिवेशन में सम्मिलित होंगे हुए होंगे जिसमें अटल जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से आपके दायित्व मिला, वो ही एक टर्निंग पॉइंट था, वही उत्साह का वातावरण जो अटल जी के भाषण में जो आया और आज ये कमल खिला है, तो निश्चित रूप से वो एक दौर था, उस दौर से हम आगे बढ़े हैं। उनकी पंक्ति के कुछ शब्द जो अभी दोहराया जा रहा था वो किसी महान व्यक्ति बड़े व्यक्ति के मुंह से निकल सकते, मैं जी भर किया, यानी किसी को अपने जीवन जीने की संतुष्टि और जीवन में जो काम किया उसकी संतुष्टि का एक लाइन में जो अभिव्यक्ति, मैं जी भर जिया, इतना शांत जिंदगी जिए, इतनी बड़ी जिंदगी जिए, फिर वो कहते हैं मैं मन से बदलू, घबराते हुए नहीं, मैं मन से बदलू, मैं जी भर के किया, और जो भी उनके दायित्व था कर्तव्य पालन किया, मैं मन से बदलू लौट कर आऊंगा। देखिए इतनी बड़ी बात पूछ से क्यों डरो, ये तो सिर्फ और सिर्फ उनका छोटा सा पूछ है, ऐसे अटल बिहारी वाजपेयी फिर इस देश में पैदा होंगे, फिर इस मिट्टी में आएंगे, क्योंकि वो जाने वाले नहीं है, वो हमारे मन में बसे हैं, हमारे दिल में बसे हैं, छत्तीसगढ़ के एक एक व्यक्ति देश के एक एक कार्यकर्ता के दिल में बसे हैं, इसलिए अटल बिहारी वाजपेयी मरने वाले नहीं है, वो अमर है, उनको कोई मार नहीं सकता, उनको कोई जला नहीं सकता, उनके विचारों को कोई रोक नहीं सकता, उस प्रवाह को नहीं रोक सकता। एक प्रवाह का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी, एक उमंग का नाम है, एक उत्साह का नाम है, एक ऊर्जा का नाम है, और ये ऊर्जा हजारों हजार कार्यकर्ताओं के दिल में बसा है, आप जैसे हजारों कार्यकर्ताओं को मन में बसा है, इसलिए ऐसे अमर व्यक्ति को आज हम अपनी ओर से विनम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके मार्ग में चलते हुए इस छत्तीसगढ़ को देश की बुलंदी में जितना पहुंचाएंगे और इस देश के लिए बेहतर हम काम करेंगे, निश्चित रूप से हम सबकी श्रद्धांजलि होगी। मैं अपनी ओर से विनम श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उनसे कहीं से
हेलो 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 ऐ मेरे करम परमा बस सुना तू जब जान लगनों पर हो तुम सामने इतना तो कभी न Thank you.